हवाले से? पहली बात तो इस्तकबाल तो मुझे आपका करना चाहिए क्योंकि मैं इंडिया का अनऑफिशियल अम्बेसडर हूँ यूएई का। मतलब लोग मुझे माने ना माने लेकिन यूएई से मुझे इतना प्यार है और मेरा आगाज़ जो हुआ था ब्राउन रंग गाने से वो मैंने दुबई में शूट किया। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुबई आके, सो हेलो दुबई। मैं बहुत बार दुबई आई हूँ और हर दफ़ा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर। पूरा जो एटमॉस्फेयर है दुबई का वो इतना लाइवली है एंड इट्स सच अ नाइस, और स्पेशली इंडिया के इतने पास है यू नो, तो इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि बस अपने घर में ही आ गए हैं। और आज मैं कोकोकोला इरेना में यहाँ परफॉर्म करने वाली हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड मेरी पिक्चर यार यार 2 के गानों पर मैं परफॉर्म करने वाली हूँ तो आप देखने वाले हैं मेरी परफॉर्मेंस। और जल्दी मेरी एक और फिल्म भी आ रही है बट आई थिंक वो प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस नहीं किया तो मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी। आई थिंक आज जो मेरे लिए एक्साइटिंग है कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ एंड ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर परफॉर्मर्स। थैंक यू सो मच हमें इन्वाइट करने के लिए इस इवेंट में। और ये इवेंट में आपको पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी और चार चांद लग जाएंगे इस इवेंट में। एंड थैंक यू टू मैडम हेमा हिना जिन्होंने हमें स्पेशली यहाँ पे इन्वाइट किया इस इवेंट पे। और मूनलाइट्स के जो इवेंट्स होते हैं वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं और डेफिनेटली कि हम देखते हैं आगे इवेंट में क्या होता है। होपफुली एवरी टाइम जब भी हनी सिंह जैसे से बड़ी सेलिब्रिटीज आते हैं तो इन्जॉयबल होता है मोमेंट, और इस बार भी हमें लगता है कि हम लोग काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं और इंशाल्लाह। और मेरा साहिल तू कुसु 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 तेरा सुकु सुकु नहीं मेरा। वो कुछ अलग ही एनर्जी थी, पीपल वो on fire tonight, literally on fire tonight, and I'm in love with Dubai once again. So would you come any next year? I would love to come every year, every month, every week to Dubai.